पहले खबर आई कि इंडोनेशिया की राजकुमारी ने हिंदू धर्म अपना लिया है। उसके बाद उनके 30,000 मुस्लिम समर्थकों ने हिंदू धर्म को अपना लिया। फिर खबर आई कि 20,000 और मुस्लिमों ने हिंदू धर्म को अपनाया है। संख्या बढ़कर हो गई 50,000। यह भी कोई सालों में नहीं बल्कि 15 दिनों के अंदर हुआ, जैसे इंडोनेशिया में राम राज्य आने वाला हो। और अब एक ऐसी खबर आई है जो आपको भी हिंदू होने पर गर्वान्वित कर देगी। इंडोनेशिया में सुकर्णो पुत्री सुकमावती ने 26 अक्टूबर 2021 को जैसे ही इस्लाम छोड़ा और हिंदू धर्म अपनाया, भारत में इंडोनेशिया भी सुर्खियां बटोरने लगा। इंडोनेशिया में हिंदू 2% से भी कम है और यहाँ के 17,000 से अधिक समूहों में बाली एकमात्र द्वीप है जहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। इसके बावजूद जिस प्रकार से लोग हिंदू धर्म में लौट रहे हैं, यह किसी आश्चर्य से कम नहीं। इंडोनेशिया में ना तो कोई आरएसएस है और ना ही कोई बीजेपी, और ना ही कोई मठाधीश है, ना अंबानी है, ना अडानी। फिर भी ऐसा लग रहा है कि मानो विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश अब हिंदू बन जाने को लालायित है। रवि कुमार ने अपनी पुस्तक इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान को 10 लाख से अधिक इंडोनेशियाई मुस्लिमों के हिंदू धर्म में लौटने की कहानी बताई है। अगर इसके कागजी आंकड़ों की ओर देखें तो सन 1999 की एक रिपोर्ट में नेशनल इंडोनेशियन ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स ने माना था कि गत 2 दशकों में लगभग 1 लाख जावा निवासी आधिकारिक तौर पर इस्लाम से हिंदू धर्म में लौट आए हैं। 2017 में जावा की राजकुमारी कांजेंद्र महेंद्राणी ने भी हिंदू धर्म को अपनाया था। मित्रों, हाल के वर्षों में सुकर्णो से संबंध रखने वाले अनेक लोगों ने हिंदू धर्म को अपना लिया है। अब ताजा नाम आया है सुकमावती का। सुकमावती का जिस प्रकार से इंडोनेशिया में कद है, इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे उनके अनेक अनुयायी भी उनके पीछे हिंदू धर्म में लौट आएंगे। तो मित्रों, आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।